हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन फूड माला। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पालक के कुरकुरे पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही कुरकुरा, क्रंची और बहुत ही ज़्यादा चटपटा है। इसको टेस्ट कर रही हूँ और मैं बताती हूँ इसका स्वाद कैसा है। तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, आप इसको ज़रूर बना सकते हैं। इसका स्वाद इतना चटपटा है कि शायद ही आप ऐसे पकौड़े कभी पहले खाए होंगे, तो एक बार इसको बनाना तो बनता है। अब इस तरह से मैं सारे पकौड़ों को इसमें डाल दे रही हूँ, तो चलिए देखते हैं बनाना कैसे है पालक के पकोड़े। सबसे पहले आप देख लेंगे, ये एक गड्डी कटा हुआ पालक है और अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्च। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और उसको लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। और इसमें अब 1.5 छोटी चम्मच मैं नमक डालूँगी और इसको अच्छे से हाथों की सहायता से मिला करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, प्याज और नमक को, जिससे इसका प्याज का जो छिलका है, सॉरी जो प्याज है उसका एक एक पार्ट इस तरह से अलग हो जाए। इसको अच्छे से मसल लिया है मैंने। अब मैं पालक, जो मैंने एक गड्डी काट लिया है इस तरह से, थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है मैंने, इसको भी इसी प्याज में डाल दिया है। अब मैं 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट, 4-5 छोटा कटा हुआ लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है। आपको जो चीज़ स्किप करनी हो या जो आप नहीं खाते हो आप इसको हटा सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप जैसे नहीं डालना चाहते, लहसुन या प्याज, तो आप इसको हटा सकते हैं। और अब मैं इसमें 1 कप बेसन डालूंगी और अब मैं इसमें 1/2 कप डालूंगी चावल का आटा। चावल के आटे से बहुत ही कुरकुरा और क्रंची बनेगा फ्रेंड्स, तो चावल का आटा ज़रूर डालिएगा आप। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। हमें बहुत ही कम स्पाइसेस यूज़ करने हैं इसमें। और इसको हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को जब मिक्स कर लेंगे, इसके बाद अब इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको हाथों की सहायता से इस तरह से दबा दबा के मिक्स करते रहेंगे। जैसे आटा को गूंथते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं उस तरह से, लेकिन हमें आटे, जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसे गीला रखना है, इसका डो जो है। तो इस तरह से हाथों की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरह से इसको दबा दबा के मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पालक, प्याज और सारे जो स्पाइसेस हैं अच्छे से सॉफ्ट होके मिक्स हो जाएंगे और आप देख सकते हैं छोटे छोटे इसके पीसेस कर लेंगे। फिर ये देखिए, इतने बड़े बड़े, इतने छोटे छोटे हमें इसके पीसेस कर लेना है। और थाली में हम इसको रखते जाएंगे और ऐसा करने से आसानी होती है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा तेल नहीं जलेगा, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं जलेगा और हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से इतने सारे पकौड़े बनाकर मैंने तैयार किया है। अब इसको फ्राई करना है फ्रेंड्स, तो इसमें 1/2 कप केवल पानी लगा, आप देख सकते हैं बहुत ही कम पानी लगा है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो पहले मैं एक पकौड़ा डाल के देखती हूँ, उसके बाद सारे पकौड़े डालती हूँ। और मैं चम्मच की सहायता से मीडियम हीट जो ऑयल था, मतलब कि मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है गैस को, और इसको मैं एक एक करके सारे पकोड़े, जो सारे पकोड़े नहीं है, मतलब सारों को तो नहीं डालूंगी एक साथ, कुछ पकोड़ों को डाल दूंगी और उनको इधर उधर पलट के चला दूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे या लो टू मीडियम रख सकते हैं, या पूरा लो नहीं रखना है, ना तो पूरा जो है आपको हाई कर देना फ्लेम को, मीडियम फ्लेम पर आपको पकौड़े को तलना है। अब लो टू मीडियम हीट पे पकाएंगे, सॉरी फ्राई करेंगे, तो आपके पकोड़े बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही अंदर से पके हुए अच्छे बनेंगे। और इस तरह से मैं स्पून की सहायता से बाकी सारे जो पकोड़े उनमें से कुछ पकोड़े और डाल दे रही हूँ। आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप ये सेकंड बैच में मैं जो डाल रही हूँ फिर से पकोड़े, आप इसको मत डालिएगा। आप एक बार फ्राई करके निकाल लीजिएगा, फिर दूसरी बार फिर से डालिएगा पकोड़े। तो अब मैं इसको
थोड़ा सा मूव कर ले रही हूँ जिससे कि नीचे तले में ना चिपका रहे कढ़ाई के ये पकौड़ा। और अब इसको पलटे की सहायता से इस तरह से उलट देंगे। आप चाहें तो स्पून की सहायता से भी इसको आसानी से पलट सकते हैं पकौड़ों को। पकौड़े फ्रेंड्स वैसे ही बने हैं जैसे कि हम प्याज के पकौड़े बनाते हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ एक्स्ट्रा मैंने यूज़ कर दिया है, दो तीन चीज़। जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया है पालक और मैंने इसमें डाल दिया है चावल का आटा। तो इन दोनों चीज़ों को डालने से इसका जो स्वाद है वो बढ़ जाता है काफ़ी, और बहुत ही ये हेल्दी भी हो जाता है। तो इसको इस तरह से उलट पुलट कर चला लेंगे। आप रेसिपी पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने जो है इन पकौड़ों के साथ एक और भी जो है एक्सपेरिमेंट किया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा लास्ट में। तो इस तरह से फ्राई करते रहेंगे इसको। हमें इस जब हम इसको फ्राई करेंगे हमें बहुत जल्दी जल्दी से इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से तो गोल्डन कलर हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। तो हमें या तो जो है एक आध दो मिनट तक इसका जो हीट है वो लो कर देना है, फिर मीडियम कर देना है, और इस तरह से इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है पकौड़ों को। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है और ये काफ़ी सुनहरे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसको निकालना है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया है पकौड़ा, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं है। हम इसको इस तरह से रखे रहेंगे आधे मिनट तक जिससे सारा की जो ऑयल है वो नीचे गिर जाए, और इसको फिर टिश्यू पेपर पे रख देंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप अच्छे से देख सकते हैं पकौड़ा बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन अभी इसमें एक स्टेप बचा हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं उसको भी आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो इस तरह से मैंने पकौड़े एक प्लेट में निकाल लिए हैं, देख सकते हैं आप। मैंने इसमें से एक पकौड़ा टेस्ट किया, मुझे इसमें साल्ट कम लगा और चटपटा उतना नहीं लगा जितना मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक से दो चुटकी मैंने इसमें चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर लिया, और अमचूर पाउडर एक से दो चम्मच स्प्रिंकल कर लिया, चाट मसाला, अमचूर पाउडर और थोड़ी सी ये लाल मिर्च पाउडर। बस ये तीन चीज़ों को मैंने एक एक चुटकी इस पर स्प्रिंकल कर दिया और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा इन्हेंस हो गया। पहले चाट मसाला, फिर मिर्च पाउडर, फिर अमचूर पाउडर, इन तीनों चीज़ों को मैंने एक एक चुटकी स्प्रिंकल किया है, और आप देख सकते हैं ये देखने में और ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं और जो है टेस्टी लग रहे हैं। कुरकुरे तो लग ही रहे होंगे आपको। और इस तरह से अब मैं इसमें सॉस रख लूँगी, यह चिल्ली सॉस। आप अपने हिसाब से इसको गार्निश कर सकते हैं जैसे भी हो, आप किसी प्लेट में वैसे भी सॉस लगा के दे सकते हैं। मैं इस तरह से इसको सॉस को रख ले रही हूँ। तो ये चिली सॉस है, दोनों चिली जैसा बना दिया है, और ये टोमेटो सॉस है, टमाटर जैसा बना दिया है। तो आप इस तरह से कोई आप चटनी भी बना सकते हैं कोरिएंडर की या टमाटर की, जो भी आपको चटनी पसंद है वो बना सकते हैं। वैसे इस टोमेटो सॉस से तो मुझे बहुत ही पसंद आया। और इस तरह आप इसको डेकोरेट कर लेंगे, अच्छे से सजा लेंगे जैसे आपको परोसना हो उस तरह से, और अब इसको सर्व करने के लिए हमारा पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। तो आपको कैसा लगा ये पकौड़ा? अगर अच्छा लगा हो तो आप भी बनाइएगा, और अपने कमेंट ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको जो है अच्छा लगा और आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या कोई सजेशन जो मैं ऐड कर सकती हूँ तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और रेसिपी अच्छी लगी हो सच में तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए मैं सारे पकौड़ों को जो है बाउल में खाली कर ले रही हूँ, और ये देखिए इसकी क्रंचनेस, इसको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया कितना कुरकुरा है ये, तोड़ के और चख के भी दिखाया था। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा।
फ्रेंड्स, और भी पकोड़े की कई सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे दी हुई हैं, जैसे प्याज के पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, काफ़ी सारे स्नैक्स हैं, तो आप वो सब रेसिपीज़ भी देखिए। और अचार चटनी और दाल सब्ज़ी, कई सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर किया है, चाइनीज़ नूडल्स सूप, काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं। आप प्लीज़ सारे जो है वीडियो को अच्छा लगे तो जो है जो आपका मन हो देखा करिए, और अच्छा लगे तो लाइक किया करिए। फ्रेंड्स, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।